स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता में आपको आगे देखने को मिलेगा कि अब विद्या ने साफ मना कर दिया है कि वो मांग भरवाएगी तो सिर्फ माधव से, वरना वो मांग नहीं भरेगी। तो यहाँ पर अरमान जाता है माधव को बुलाने और यहाँ पर माधव आ भी जाता है। वहीं दूसरी ओर माधव ने फैसला कर लिया है कि वो मासा की जिद को तोड़कर रहेगा। जो मासा का गरूर है वो चकनाचूर कर देगा। अब वो अरमान और अभिरा को हमेशा के लिए एक कर रहेगा। वो बोलता है कि मैंने जो गलती कुछ साल पहले की थी वही गलती मेरा बेटा कर रहा है। वो नहीं चाहता है जो दर्द उसने सहा था उसका बेटा भी वही दर्द सहे। इसीलिए वो मासा से कहता है कि मासा आप बहुत ज्यादा गुरूर में रहती है, आपका गुरूर टूटने वाला है। आपको लगता है कि आपके परिवार आपसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं। मासा बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, हमारा परिवार हमसे कभी कुछ नहीं छुपाएगा। तो माधव कहता है आपके प्यारे जमाई सा ही आपको झूठ बोल रहे हैं। वही संजय समझ जाता है कि वो अरमान और अभिरा की शादी को लेकर कुछ बताएगा, तो संजय बात बदलने की कोशिश करता है। वही माधव बोलता है नहीं संजय, आज मैं सच बोलकर रहूंगा। माधव बोलता है कि मासा आपका कहना है कि अरमान और माधव पति पत्नी नहीं है, पर आज भी वो पति पत्नी है, उनका डिवोर्स हुआ ही नहीं है। आपके जमाई सा संजय ने झूठ बोला है, वो पेपर फर्जी थे। और ये सुनकर सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं। मासा पूछती है क्या संजय ये सब सच है, और संजय की चुप्पी कंफर्म कर देती है कि ये सब कुछ सच है। माधव कहता है अभिरा ये घर की बहू है और अभिरा घर के बाहर नहीं रहेगी। ये सुनकर अरमान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है संजय फूफा की वजह से अभिरा घर छोड़कर चली गई और मैं इतने दिनों से अभिरा को मना रहा हूँ। वेल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अरमान अपने फूफा जी संजय के साथ क्या करता है। क्या अभिरा को अरमान वापस लेकर आएगा घर? आपका क्या कहना है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।